मिडल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से इस इलाके में तबाही मची हुई है। लेबनान का हिजबुल्ला समूह लगातार इजराइल पर बरस रहा है। लड़ाके उत्तरी इजराइल पर बेहिसाब हमले कर संघर्ष के दायरे को बढ़ाने पर तुले हैं। बीते दिनों इजरायली एयर स्ट्राइक से बौखलाए हिजबुल्ला ने एक साथ 50 से ज्यादा रॉकेटों की बौछार की। समूह के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल समेत मिडल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध के सेनानियों ने इजराइल के खिलाफ अपना रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है। समूह ने कथित तौर पर कब्जे वाले सफद के पास इजरायली आइलेट हाशेर बस्ती को निशाना बनाया। टारगेट कर दागे गए रॉकेट से इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाके में बड़े पैमाने पर आग लग गई। खास बात है कि इस इलाके को यहूदी धर्म के 4 पवित्र शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। बता दें कि ये इजराइल के उत्तरी जिले का एक अहम शहर है। सफद गलील और इजराइल का सबसे ऊंचा शहर है। यहाँ बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। दक्षिणी लेबनान से दागे गए रॉकेटों के चलते उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन की कई बस्तियों में सायरन बजने लगे। इनमें कब्जे वाले शहर सफद, अमुका, मिशिमार, हाइडेन, आइलेट की बस्तियां भी शामिल हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि ऊपरी अल जलील के इलाकों पर रॉकेट अटैक से बड़े स्तर पर आग लग गई। सबसे अहम ये है कि इन इलाकों में इजरायली निवासियों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर नहीं भेजा गया है। मालूम हो कि पिछले कुछ हफ्तों से हिजबुल्ला नए नए इलाकों पर बमबारी कर रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेबनान और इजराइल के बढ़ते तनाव का खामियाजा बॉर्डर के नज़दीकी इलाकों में बसे इजरायलियों और लेबनानियों को उठाना पड़ रहा है। इजराइल की लेबनान में हो रही लगातार एयर स्ट्राइक से हिजबुल्ला ने अपने सैन्य ऑपरेशन को धार दी है। इससे उत्तरी इजराइल पर दिन रात आसमान से आग बरस रही है। 17 अगस्त साल 2024 को हजारों लोग हिजबुल्ला के हमलों से बचने के लिए बॉम्ब शेल्टर्स की ओर भागे। वहीं हिजबुल्ला ने अल नबातिया गवर्नरेट में लेबनानी शहर कैफोर पर इजरायली हमले का जवाब दिया। दरअसल इजरायली सेना ने कैफोर घाटी में एक आवासीय इलाके पर हमला किया। इसमें करीब 10 लोग मारे गए थे जबकि 5 लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि ज्यादातर हताहत सीरियाई नागरिक थे। हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्जे वाले उत्तरी फिलिस्तीनी क्षेत्र में आइलेट हाशेर बस्ती पर ग्रेट प्रकार के रॉकेट तोपखाने के गोले दागे। ऐसा दावा है कि 8 अक्टूबर साल 2023 को अपना सैन्य समर्थन अभियान शुरू करने के बाद ये पहली बार है कि हिजबुल्ला ने बस्ती को निशाना बनाया। प्रतिरोध ने इसराइली अल मर्ज मिलिट्री साइट की ओर 2 FPV ड्रोन भी लॉन्च किए। विस्फोटक से लदे ड्रोन इसराइली सैनिकों की ओर से ऑपरेट एक जगह पर बरसे। समूह ने दावा किया कि इस स्ट्राइक के दौरान कई इजरायली जवान बुरी तरह हताहत हुए हैं। अपने एडवांस हथियारों के दम पर हिजबुल्ला लगातार इजरायल के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। प्रतिरोध ने इजरायल के कब्जे वाले लेबनानी कफर चोबा हिल्स में अल सुमाका मिलिट्री साइट पर भी हमला किया। वहीं लड़ाकों की तोपखाना यूनिट ने रुईसेट अल आलम मिलिट्री साइट पर भी सटीक हमले का बड़ा दावा किया है। इसके अलावा समूह ने बताया कि अदाब यारून मिलिट्री साइट पर निशाना भेदते हुए गाजा का समर्थन किया है।